वहीं अग्निवीर योजना व उसके फायदे को लेकर भाजपा के पूर्व विधायक लाभचंद बाफना ने की पत्रकार वार्ता, जिसमें वे देश के साथ विरोध की अपनी सस्ती और हल्की राजनीति पर कांग्रेस पर लगाया गंभीर आरोप। साथ ही कहा कि इस योजना के सफल होने के बाद रेल व सेल सहित अन्य विभागों पर दिया जाएगा ध्यान। देश के साथ विरोध की अपनी सस्ती और हल्की राजनीति का कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए भाजपा के पूर्व विधायक लाभचंद बाफना ने बुधवार को जिला भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें अग्निवीर योजना से युवाओं को मिलने वाले लाभ के बारे में बताया और साथ ही कहा कि देश भर में जहां अग्निपथ के खिलाफ जितने भी उपद्रव हुए हैं उन सभी के पीछे कांग्रेस की भूमिका रही है। साथ ही अपने पत्रकार वार्ता में लाभचंद बाफना ने बताया कि चुनावी जुमला अलग है और देश की सुरक्षा अलग। गौरतलब है कि लाभचंद बाफना ने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को 4 साल बाद भी उतना ही सम्मान मिलेगा जितना रिटायर सेना के जवानों का होता है। उन्होंने कहा कि कुल 46,000 लोगों की प्रस्तावित भर्ती में से 11,500 यानी 25% सेना में स्थायी होंगे। शेष 34,500 अग्निवीरों के लिए रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, अर्धसैनिक बल और राज्य पुलिस आदि में अवसर दिए जाएंगे और साथ ही इस योजना को कारगर साबित होने के बाद देश के अन्य विभागों, रेल और सेल में भी युवाओं को रोजगार देने इसी तरह की योजना बनाई जाएगी। इस अवसर पर पूर्व विधायक लाभचंद बाफना सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी उपस्थित रहे। ये अग्निपथ योजना अग्निवीरों को समर्पित है और जिसका देशव्यापी और खासकर हमारे छत्तीसगढ़, पूरे हिंदुस्तान में एक दिन के लिए जो भी आंदोलन प्रदर्शन हुए थे उसके बाद छत्तीसगढ़ में प्रायोजित तरीके से जो यहाँ पर सत्याग्रह का रूप दिया गया, जो निश्चित रूप से निंदनीय है। देश के साथ विरोध की अपनी सस्ती और हल्की राजनीति से कांग्रेस बाज आए उसके लिए आज उनको पूरा 1 करोड़ रुपए की राशि कांग्रेस के कभी ये लोकतंत्र है कि एक तरफ विक्रम मंडावी जैसे कहते हैं कि बिहार में आग लगा दी गई है कार्यालयों में, रेलवे स्टेशन में, छत्तीसगढ़ वाले क्यों नहीं लगा रहे। आसिफ मिलन ये कहते हैं कि कार्यालयों में आग लगा देनी चाहिए, ये करनी चाहिए, तो निश्चित रूप से ये अच्छे लोकतंत्र का संकेत नहीं। कांग्रेस को आरएसएस का एजेंडा बता रही है क्या कहना? कांग्रेस इसको आरएसएस का एजेंडा बता रही है क्या कहना? अगर ऐसी चीज भी अगर आरएसएस का एजेंडा है तो मैं समझता हूँ ये हिंदुस्तान के 140 करोड़ भारतीयों के लिए ये स्वाभिमान का विषय। 25% को वहाँ पर सीधे सेना में उनका चयन, 75% जो सेवानिवृत्त होंगे उनको 11,71,000 रुपया सीधे बिना इनकम टैक्स, बिना सर्विस टैक्स से उनके खाते में जमा। इसके अलावा अन्य सुविधाएं उनको कंटिन्यू मिलेगी और हिंदुस्तान के 7-8 प्रदेशों ने कल तक लिखित में दे दिया था कि वहाँ पर लोकल पुलिस भर्ती हो चाहे अन्य भर्ती हो उसमें पूरी की पूरी प्राथमिकता उनको मिलेगी। कि सेना से लाखों लोग सेवानिवृत्त हो चुके हैं पिछले 40-50 वर्षों में और उनका कितना मान सम्मान हमारे समाज में रहता है, अन्य जितनी संस्थाएं हैं, अन्य जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो उनको कैसे प्राथमिकता देती है और 4 साल जब वो पूरी ट्रेनिंग लेकर आएंगे और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होकर आएंगे और यंग जनरेशन आएगा, एक समय तो 40-42 साल का रिटायर होने के बाद अगर आता है तो निश्चित रूप से कई मल्टीनेशनल कंपनियां और कई जगह एज बार हो चुकी रहती है, मगर यहां तो मात्र वो 25 साल की उम्र में ही आ जाएगा, 26 साल की उम्र में आ जाएगा। इस साल कोरोना के कारण 2 साल की लिमिट बढ़ाई गई है इसलिए वो 27 साल में आ जाएगा और 27 साल की उम्र मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के किसी भी चपरासी से लेकर बड़े से बड़े पद के लिए कहीं पर भी इससे कम उम्र नहीं मांगी जाती, इसलिए वो अपनी योग्यता अनुसार हर दिशा में आगे बढ़ सकता है, हर क्वालिफाई कर सकता है। 2 साल के कोरोना कार्यकाल में ये भर्ती बंद, पहले से सेना में कुछ रिटायर हो चुके और इस कारण सरकार ने और सेना अध्यक्षों ने ये तय किया, खासकर इसमें सीधा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।